हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप आधार कार्ड में अपना फ़ोटो चेंज करवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या फ़ोटो चेंज करवा सकते हैं। फ़ोटो चेंज करवाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप जो है इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करना है, प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट टाइप, रेसिडेंट टाइप आपको चूज करना है। जैसे कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया पे क्लिक करेंगे, और अगर नॉन इंडियन पे क्लिक करते हैं तो नॉन इंडियन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप किस तरीके से लॉगिन करना चाहते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी के जरिए या मोबाइल नंबर के जरिए, तो यहाँ पर आपको वो फिल करना है। जैसे मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चर फिल करने है। जो भी मोबाइल नंबर फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके सबमिट ओटीपी एंड टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट आईडी और अपडेट आधार, इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आप अगर आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी नाम होगा नाम लिखेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक पे आपको क्लिक करना है। बायोमेट्रिक पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपकी डिटेल्स शो होगी। अब जैसे कि आधार नंबर जो भी नाम डाल रखा था वो शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके का दोस्तों डैशबोर्ड शो होगा। आपको यहाँ पे नाम शो होगा और यहाँ पे आपका आधार नंबर शो होता है। आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक पे यस पे क्लिक होगा, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार टिक मार्क करना है। आपको यहाँ बताया गया है कि आप अपडेट डिटेल में क्या करना चाहते हैं, बायोमेट्रिक करना चाहते हैं, यस पे आपने क्लिक किया। बायोमेट्रिक में दोस्तों आपका ये होगा कि जो भी आपका फ़ोटो होगा वो चेंज कर दिया जाता है, जो आईरिज के निशान होते हैं वो भी आपका चेंज हो जाते हैं, और आपका फिंगर, फोटो फिंगर और आईरिज दोनों ही तीनों चीज बदलाव किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों क्या होता है दोस्तों, अगर आप बहुत काफ़ी छोटे स्तर छोटे थे तब आपने अपना आधार कार्ड बनवा रखा था, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार अपडेट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जितने भी सर्विसेज है आप आसानी से लाभ ले सके। तो यहाँ पर आपको टिक करना है और उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आप जो है डाउनलोड रिसिप्ट करके जहाँ पर आधार सेवा केंद्र है वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके आप रिसिप्ट को आधार सेवा केंद्र पर जा करके विजिट करके अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप यहीं से घर बैठे आसानी से बुक करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको लाइन लगाने की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी स्थिति में बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सर्च इनरोलमेंट सेंटर। अगर आपको इनरोलमेंट सेंटर पता है कि इनरोलमेंट सेंटर आपका कहाँ पर है, तो आप जो है यहाँ पर सर्च अपना इनरोलमेंट नेम डाल करके सर्च गेट डिटेल पे आपको क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों ये नहीं मालूम कि आपका जो इनरोलमेंट सेंटर का नाम क्या है तो आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको पिन कोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो भी आपके एरिया या आप जहाँ पे इनरोलमेंट सेंटर है वहाँ का पिन कोड डालेंगे और गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कि यहाँ पर कहाँ पर इनका एड्रेस मिल जाता है। यहाँ बताया गया है कि बनारस में ये है, और यहीं पर अगर आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो ऐसे आसान तरीके से अपना जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग पहुंच सकते हैं। तो बुक अपॉइंटमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अगेन सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं बहुत काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं कि आप उनको ये नहीं मालूम कि उनके अकॉर्डिंग जो है आधार सेवा केंद्र के टीम के अकॉर्डिंग आधार सेवा केंद्र उनके एरिया में है या नहीं। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी 6 अंक पिन कोड आपके पास अवेलेबल है उसको फिल करिए और गेट डिटेल पे क्लिक करिए। अगर यहाँ पर आपका नहीं है तो अपने सिटी, कस्बे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं पिन कोड मेंशन करके। तो आप इसी तरीके से अगर आपके एरिया में नहीं होगा तो आपको यहाँ पर ब्लैंक शो होगा, आपको कोई भी इनरोलमेंट सेंटर नहीं शो होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अकॉर्डिंग ऐसा वहाँ पे फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में आधार सेवा केंद्र आपको विजिट करना होगा। आप पोस्ट ऑफिस में पता कर सकते हैं कि आधार सेवा केंद्र
ये सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं, नहीं है तो आपको यहाँ पर जाके जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ विजिट करके अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, न्यू हो चाहे आप अपना फ़ोटो चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 अप्रैल 2024 में आप यहाँ पर जाके आसानी से जो है इन टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना जो है फ़ोटो चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइमिंग आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस भी टाइमिंग आप जाना चाहते हैं उस टाइम को सिलेक्ट, जो हाईलाइटेड है उस पर वो आपका पहले से बुक हो चुका है, जो आपका अभी थोड़ा सा हल्का है तो वो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इस पर अगर क्लिक करने चाहे तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं कि ये आपका बुक हो चुका है, क्योंकि ये डल है। अगर हाईलाइटेड जो है उसी पर आप टिक करके अपना बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, उस रिसिप्ट को क्या करेंगे A4 साइज पे आपको प्रिंट कर लेना है और उस प्रिंट आउट को ले जा करके जहाँ पर आधार सेवा केंद्र है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आधार सेवा केंद्र, यहाँ पर जा करके हम अपना आधार कार्ड संशोधन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आधार कार्ड में अपना फ़ोटो चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।